हेलो दोस्तों, प्री मिक्स का आज 34th सेशन है एंड शुरू करते हैं इसको क्विकली। तो वही पांच सवाल आपके लिए, और थोड़े सवाल आज थोड़े बेसिक हैं, तो ट्राई करना है सभी ने पांच में से पांच लेने की। और ये सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही बार न्यूज़ में देखे गए हैं अभी, और न्यूज़ में बार बार आ रहे हैं। एक इसमें हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी उठाया है, क्योंकि यूपीएससी कुछ कुछ कभी कभी सवाल स्टैटिक रिपीट करता है, तो हमने भी लेट्स ग्रेजुअली हम उसको भी अपने टेस्ट पेपर्स में, टेस्ट सीरीज में, और यहाँ पर प्री मिक्स में भी डालते रहेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए, नसीम अल बाहर, जिसको सी ब्रीज भी बनेगा, जिसका मतलब नसीम अल बाहर, इज अ नेवल एक्सरसाइज। आपने बताना कि कौन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ ये हमारी नेवीज जॉइंट एक्सरसाइज करती है, जिसका नाम क्या है, नसीम अल बाहर। ये पता होना चाहिए आपको, बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, कोई नेवल है, ठीक है, और कोई एयरफोर्स के साथ है, कोई हमारी आर्मी करती है। कैसे आपको ये ग्रेजुअली ये सभी नाम याद करने हैं, पेपर में आपको इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, ओके, बताओ ऑप्शन क्या है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर कतर। अपना आंसर मार्क करो, एंड करेक्ट आंसर इज ओमान। नसीम अल बाहर नेवल एक्सरसाइज है ओमान के साथ। बाकियों के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओ, तभी ऐसे ही याद होगा, वरना याद करना बहुत मुश्किल है, रेपिटेटिवली करते रहेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लोसार, लोसार नामक एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि क्या है, नए साल की शुरुआत, ये कहाँ मनाया जाता है, इस सेलिब्रेटेड इन, आपने मुझे बताना है कहाँ सेलिब्रेट होता है लोसार। यूपीएससी का यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी के ये प्री में आ चुका है, अभी रिसेंटली ही आया था, कुछ साल पहले, एक या दो साल पहले। लद्दाख में, मेघालय में, नागालैंड या राजस्थान, लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ठीक है जी, ओके, तो अपना आंसर मार्क करो अगेन, अपना ये मनाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख में नए साल की शुरुआत को लोसार कहा जाता है, और ये बहुत ही एक मेजर फेस्टिवल है, इंडस के आसपास मनाया जाता है, ये इंडस निकलती है लद्दाख में से, जो लेह में, और वहां पर ये मनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि लोसार का फेस्टिवल जनरली कौन से महीने में मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके इसी तरह से आप गूगल भी करोगे, मंथ बताओ मुझे लोसार का फेस्टिवल कब मनाया जाता है, न्यू ईयर कब शुरू होता है लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क इज इन रिलेशन टू, बहुत ही आसान सवाल है, अगर मेंस की तैयारी ठीक से कर रहे हो आपको ये आता होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क किसके रिलेशन में है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ओजोन से जुड़ा हुआ है, या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई, कोई ये शेयरिंग से जुड़ी हुई बात है। सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत ही आसान सवाल, आंसर इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई एक जगह है हमारी, कहाँ, जापान में, वहां पर मीटिंग हुई थी, तो उसमें उसी में इसका बात की गई है। अदरवाइज सेंडाई ने किसको रिप्लेस किया है, ह्योगो, एक ह्योगो भी एक जगह है जापान में, ह्योगो फ्रेमवर्क को अब क्या नेक्स्ट लेवल पे ले गया है सेंडाई फ्रेमवर्क। मेंस में डिजास्टर का चैप्टर आपको पढ़ना होता है, और इसीलिए ये सेंडाई फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और काफी इसको ढंग से प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन मेंस में सेंडाई से या फिर जो डिजास्टर से हमें दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं कुछ कंट्रीज के नाम बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रिलीज हुई है, यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, आपको उन कंट्रीज को आपने लगाना है अकॉर्डिंग टू डायस्पोरा पॉपुलेशन। डायस्पोरा किसको बोलते हैं, जो अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं लोग, जैसे मान लो कि इंडिया के लोग अगर इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआई बोलते हैं उनको, एटसेट्रा, बहुत कुछ ऐसे ही, जैसे चाइना के लोग बाहर रहते होंगे, किसी और कंट्री के रहते होंगे, तो उसको डायस्पोरा कहते हैं। आपने डायस्पोरा की रैंकिंग करनी है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक, और अगेन आपको एक और बात पता लगी कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएन निकालता है। ओके, ठीक है, ऑप्शंस हैं इंडिया, मेक्सिको, रशिया, चाइना एंड बांग्लादेश। आपको इन पांच कंट्रीज को रैंक करना है, सबसे ज्यादा किसके डायस्पोरा बाहर है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जी, तो ओके, ये यूपीएससी ऐसे बहुत सवाल बताएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुअली हम क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे। यूपीएससी बहुत ही पेचीदा सवाल भी पूछता है, आबादियां कंपेयर करवा देगा, ब्रिक्स, जैसे एक बार मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्विकली, ब्रिक्स कंट्री की आबादी कंपेयर कराई हुई थी, कि वो पूछते हैं कि बताओ कि इनमें से जैसे वन टू आपको कंट्रीज दी हैं ब्रिक्स की, इंडिया लेट्स से दिया हुआ, चाइना दिया हुआ, साउथ अफ्रीका दिया हुआ है वो, और लेट्स से चौथी कंट्री एक आपको उसमें मान लो रशिया भी दी हुई है, वो पूछते हैं कि क्या चाइना की आबादी बाकी सबसे मिलाकर ज़्यादा है, ओके, क्या चाइना की जीडीपी बाकी सब कंट्रीज की जीडीपी से ज़्यादा है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं, तो इसीलिए यूपीएससी आपको तंग करता है, तो हम भी बस उसी
तंग ना होने से बचने के लिए ही हम ऐसे ग्रेजुअली छोटी छोटी चीजें जानते जाएंगे, ठीक है। ओके, डायस्पोरा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ लगाओ, आपके आपके सामने कंट्रीज लगी हुई हैं, ऑप्शंस हैं, नंबर वन पे इंडिया, देन चाइना 14325, या फिर पहले चाइना फिर इंडिया, ठीक है, 41325, या सिंपली 12345, या 24135, ठीक है जी। आपको क्या लगता है पहले क्या आएगा, देन लास्ट में अकॉर्डिंगली लगाते रहो। ओके, अपना आंसर मार्क करो, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, और जनरली कॉमन सेंस ऐसी चीजों में हेल्प नहीं करती, लेकिन नंदलेस आंसर इज 12345। ये मैक्सिमम इंडिया, देन मेक्सिको, रशिया, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया कितना आगे है, चाइना कितना पीछे है, तो अकॉर्डिंगली ऐसी बातें याद रखना, पेपर में आपको ये तंग कर सकती है। मेक्सिको देखो कितना ज्यादा डायस्पोरा है मेक्सिको का बाहर है, जो मेक्सिको से बाहर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। आपने इनफैक्ट बताना है, इसमें से ट्रू मार्क करना है कि आपने बताना है इसमें से स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने रिसेंटली गेबॉन एक जगह का नाम है अफ्रीका में, गेबॉन को पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया है। दूसरा, पोलियो अब सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही रह गई है, एंडेमिक वहीं पर ही है, अभी पाई जाती है बस। एंड तीसरा, पोलियो का कोई इलाज या कोई क्योर नहीं है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है इसमें से कौन सी ट्रू हैं, ठीक है। ओके, तो बताओ सिर्फ 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, या सभी करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अगेन हिंदू से उठाया हमने, हिंदू में न्यूज थी पूरी, और उसी पे बेस्ड एक सवाल बनाया हमने। तो अपना आंसर मार्क करो, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी है। गेबॉन को पोलियो फ्री घोषित कर दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान में ही अभी बस इसका वायरस का स्ट्रेन पाया जाता है, जो पोलियो का जो स्ट्रेन पाया जाता है, एंड पोलियो का कोई इलाज नहीं है, इसको बस इम्यूनिटी वगैरह डेवलप करके ही हम रोक सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो, इंडिया भी पोलियो फ्री घोषित हो चुका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकिन कंटिन्यूसली हमें थ्रेट आती है, और इसी थ्रेट के चक्कर में हमने क्या किया है, बहुत सारे लोग क्या पाकिस्तान से क्या जाते हैं, पहले नेपाल जाते हैं, नेपाल से नेपाल से एंटर इंडिया। तो इंडिया ने नेपाल के बॉर्डर पर भी चेक पोस्ट लगाई है, जहां पे वो पोलियो की चेकिंग होती है कि कहीं पोलियो वायरस इंडिया में ना आ जाए। ओके, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी जरूरी होती हैं, पेपर में काम आएंगी, कभी ना कभी काम आ सकती हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने अगले प्रीमिक्स के साथ मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू।